आसिफ अली जरदारी लाहौर जाएं, लेकिन जितने उनके कारकुनान हैं शायद एक दो खेमों में ही पूरे आ जाएंगे। साबिक सदर के ऐलान पर फवाद चौधरी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की हिमायत कम होने का ताना दे दिया। बोले, जरदारी को जेल और अदालत जाना हो तो व्हील चेयर पर आते हैं, रिलीफ मिले तो कद से बड़ी भड़के मारना शुरू कर देते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि भड़के मारने वाले जल्द ही लाड़काना और नवाबशाह में भी नहीं जा सकेंगे। साथ खड़े शहबाज गिल बोले कि जरदारी साहब, वक्त पीछे रह गया, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। लोग देख चुके हैं कि आपने सिंध के अवाम के मुंह से लुकमा और बदन से कपड़ा कैसे छीना। इतनी बड़ी जो जमात है उसकी हालत ये कर दी है कि आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा मैं खेमे लगा लूंगा बाहर, आपके लोग ही इतने आने हैं कि एक दो खेमों में ही पूरे हो जाएंगे। देखिए, हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। आज एक और बोना मैं देख रहा था कुछ देर पहले, सरदारी साहब बात कर रहे थे। जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल वो जो मजदूरों की गाड़ियाँ होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। सरदारी साहब ने जैसे उन्हें जमानत मिली है और उन्होंने बड़ी बड़ी बड़के मारी, सरदारी साहब वो वक्त पीछे चला गया, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। अब पाकिस्तान इस तरह का पाकिस्तान नहीं है कि आपके झूठों को दोबारा सुन लेगा। अब पाकिस्तान ने देख लिया आपने सिंध की आवाम के मुंह से लुकमा कैसे छीना बदन से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।